हेलो व्हाट्सएप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सपोनेंशियल पावर वर्कशीट 1। तो लेट गेट स्टार्टेड। देखो क्वेश्चन 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट करना है हमें करेक्ट आंसर, पर मैंने इसे चॉइसेस नहीं दिए ज़्यादा, तो हम देख लेते हैं। ए इन m की पावर 5, m इज नोन एज द m की पावर 5 है, तो m को क्या कहते हैं? हमने बताया था पिछली वीडियो में कि m जो भी नीचे होता है वो बेस होता है, तो m को हम बेस कहते हैं, आंसर है बेस। अब b देखते हैं, 3 की पावर माइनस 8 कैन बी रिटन एज। देखो 3 की पावर माइनस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर माइनस है, माइनस पावर होती है तो क्या करते हैं, 1 के नीचे लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8 तो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये सही है, क्योंकि देखो इसे तो ऐसे लिख ही सकते हैं, इसके अलावा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते ना, क्योंकि देखो पावर यहाँ माइनस थी तो यहाँ प्लस होनी चाहिए, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। अब सी है, द वैल्यू ऑफ 1/1 की पावर माइनस 2 इज, हमें 1/1 की पावर माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/1 की पावर माइनस 2 क्या होती है, यहाँ देखो पावर माइनस में और 1 के 1 से डिवाइडेड है, मतलब 1 के अपॉन में है, और पावर माइनस में तो ये ना ऊपर चली जाती है और पावर प्लस हो जाती है, तो ये होगी 1 की पावर 2 स्क्वायर, मतलब 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 होती है 1। अब देखते हैं डी, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 की पावर माइनस 1। 5/7 की पावर माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखो 5/7 की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, 5/7, तो 5/7 आंसर। अब देखते हैं सी ई, द वैल्यू ऑफ -1/100 इज, देखो जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर में इवन हो, देखो 100 इवन होता है ना, तो माइनस और ब्रैकेट पावर इवन, तो हम ये माइनस हट जाता है, तो देखो माइनस हट गया और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला है 3 की पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 3 की, देखो किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब क्वेश्चन बी, द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ -3 की पावर प्लस 2 इज, हमें बताना है -3 की पावर प्लस 2 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स वो होता है, देखो जहाँ भी ऐसा दिखाया जाए ना मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालना है और ऐसा पावर की फॉर्म में हो, तो जस्ट यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, जब -3 की पावर प्लस 2 है तो -3 की पावर प्लस 2 को माइनस कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 की पावर माइनस 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सी, क्वेश्चन सी है 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5। देखो बेस सेम है 4, तो पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो 4 की पावर 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 होता है 10, तो 4 की पावर 10। अब डी है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2 की पावर 16 इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है किसी को भी पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने, 216 को यानी कि 216 को हम ऐसे लिख सकते हैं 216 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो देखो बेस सेम है, कितने बार है, 3 बार है, तो 6 का क्यूब आ गया आंसर। अब ई इसे ये लिखा है 1 लाख कैन बी रिटर्न एज, अब देखो इसके पीछे कितना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 है, तो 10 लिख दो और उसकी पावर 5 लिख दो, जितने 0 उतना पावर लिख दो और 10 लिख दो। अब क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 की पावर माइनस 2, 1/3 की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 है और 1/1 में, हमने पहले बताया था कि 1/1 में माइनस हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, तो 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 × 3, 3 की पावर 2 को ऐसे नहीं लिखते, 3 × 3, 3 × 3 9 आंसर। अब क्वेश्चन 5, हमने क्वेश्चन 5 पहले लिख दिया, क्वेश्चन 4 बाद में, तो कन्फ्यूज मत होना। क्वेश्चन 5 है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, हाँ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ पॉइंट लगना चाहिए, मतलब 5 को छोड़ के बाकी सब पॉइंट में होना चाहिए, तो पहले गिन लेते हैं 5 को छोड़ के कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा, और 0 तो हम गिनते ही नहीं है पॉइंट के बाद, तो ये आ जाएगा 5.678 × 10^7। अब क्वेश्चन 4, राइट द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/3, अभी हमने बताया था जब मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हो और पावर के फॉर्म में हो तो प्लस हो तो माइनस कर दो और माइनस हो तो प्लस कर दो, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ 5/3 है ना प्लस 3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5/-3। अब क्वेश्चन 6, एक्सप्रेस 27^3 एज एन एक्सपोनेंट विथ बेस 3, हमें बोला है कि यहाँ 27 लिखा है ना, जहाँ यहाँ 3 आना चाहिए, अब कैसे लाओ 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं ना 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27, तो 3 का क्यूब की पावर 3, देखो पावर की पावर हो गई तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 × 3 = 9, तो 3 की पावर 9।
अब क्वेश्चन 7, राइट द यूजुअल फॉर्म ऑफ 2.68 इंटू 10 to the power 8। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पहले गिन लो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक दो दो हैं, हाँ तो पहले तो 8 है, यहाँ 8 में से 2 डिवाइड माइनस कर दो तो 6 बचे, तो ये लिख दो 268 और 60 लगा दो, 268 एक दो तीन चार पाँच छः, देखो 60 लगा दिए। अब क्वेश्चन 8, राइट 1331 अपॉन 1728 इन द सिंपलेस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इसे सबसे छोटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 1331 अपॉन 1728 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 × 11 × 11, देखो 11 जब 121 121 11 जब 1331, वैसे ही 12 × 12 × 12 होता है 1728। अब देखो यहाँ हो गया 11 का क्यूब, देखो 11 का क्यूब है अपॉन 12 का क्यूब, क्योंकि वहाँ 11 × 11 × 11 था अपॉन 12 × 12 × 12, तो कितने बार था, 3 बार, इसलिए क्यूब, इधर भी 3 power 3, तो देखो ये हो गया 11/12³, क्योंकि देखो इसका पूरा बाहर आ जाएगा ना, तो 11/12³। अब क्वेश्चन 9, सिंप्लीफाई करना है हमें 4/7² इंटू 4/7² को। अब देखो बेस सेम है ना, 4/7 4/7, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 4/7² 2+-2, 2+-2 क्या होता है, 0 होता है, तो 4/7² 0, और 4/7 की किसी भी की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, तो आंसर 1। अब क्वेश्चन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2^0 + 3^0 इंटू 2^0 + 3^0 + 4^0, देखो 2^0 1 हो गया, 3^0 1 हो गया, इंटू ब्रैकेट में 2^0 1 + 3^0 1 + 4^0 1, है ना, तो 1+1 2 इंटू 1+1+1 3, तो 2 × 3 6 आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।